हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित और मेरे चैनल पर आप लोगों का दोबारा स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक मेट्रो टेक का साउंड बार स्पीकर, जो एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का साउंड बार स्पीकर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और जानेंगे इसका साउंड क्वालिटी कैसा है और इसका बेस क्वालिटी कैसा है, इसे बाय करना अच्छा होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आप भी एक बेस्ट स्पीकर अपने लिए ले सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेट्रोटेक का ये ब्लूटूथ स्पीकर है। यहाँ पर आप स्पीकर का लुक देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर साथ ही आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है मेट्रोटेक का, और साथ ही ये TWS स्पीकर है। इसमें आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 डेज का यहाँ पर आपको वारंटी मिल जाता है। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेट्रो रियल साउंड बार मिनी साउंड बार बोर्न फॉर म्यूजिक टोन क्वालिटी क्लियर ऑफ ट्रांसपेरेंट हाई परफॉर्मेंस बैटरी। यहाँ पर बताया कि क्लियर साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर पीछे आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज यहाँ पर 85 Hz to 20 kHz तक दिया हुआ है, जो कि बढ़िया बात है। और स्पीकर स्पेसिफिकेशन यहाँ पर 3 ओम 5 वोल्ट का दिया हुआ है। ट्रांसमिशन डिस्टेंस यहाँ पर 10 मीटर तक का दिया हुआ है। वर्किंग वोल्टेज यहाँ पर आपको 3.3 to 4.2 वोल्टेज तक का मिला है। 5.0 का ब्लूटूथ वर्जन मिला है, प्लस EDR भी इसके अंदर साथ में दिया हुआ है टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर आउटपुट पावर यहाँ पर 5:2 वोल्ट का दिया हुआ है। और यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पर आपको दिया हुआ है DC 5 वोल्ट और 1500 mAh की बैटरी इसकी दी गई है। और यहाँ पर सिग्नल टू नॉइज़ यहाँ पर आपको 90 dB ऑफ हायर मिला हुआ है। यहाँ पर आप MRP भी देख सकते हैं, जो कि लगभग 3000 तक बताया हुआ है। तो अभी बिना देरी के हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर हम सिंपली सर इसका टेपिंग मैंने पहले निकाल दिया था। तो यहाँ पर आपको इस तरह का पैकिंग देखने को मिल जाता है स्पीकर का। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक चार्जर केबल, जिससे आप अपने स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। और एक मैनुअल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है साउंड बार का। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनुअल आपको दिया हुआ है, तो सारे डिटेल्स वगैरह इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर तो लास्ट में यहाँ पर आप स्पीकर को देख सकते हैं, जो कि बहुत वेट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर का लुक इस तरह का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो कि बहुत ही कूल डिज़ाइन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मेट्रोटेक का। तो बहुत ही बढ़िया लुक यहाँ पर आपको स्पीकर का देखने को मिल जाता है, और बहुत ही डार्क ब्लैक कलर का यहाँ पर दिया हुआ स्पीकर, जिससे इसका लुक और ही बढ़िया लग जाता है। तो यहाँ पर आपको स्पीकर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है मेट्रोटेक का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 स्पीकर दिया हुआ है और 2 वूफर्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसका मतलब बेस और साउंड क्वालिटी भी इसका बढ़िया ही होगा। तो अभी हम देखेंगे आगे। और बाकी यहाँ पर आपको ऊपर कितने बटन्स देखने को मिल जाते हैं। और इसकी इनबिल्ट क्वालिटी की बात करें तो जो कि बहुत ही मजबूत क्वालिटी का है, और इसका लेंथ आपको मिल जाता है 40 cm का, और साथ ही इसका वेट यहाँ पर आपको 800 ग्राम तक मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है एक स्पीकर के लिए। तो इस हिसाब से इसका वेट भी ज़्यादा दिया हुआ है, तो स्पीकर में बेस और साउंड क्वालिटी भी बढ़िया ही होगा एक तरह से। और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको बाकी भी फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप USB देख सकते हैं, यहाँ पर चार्जिंग आप लगा सकते हैं DC 5 वोल्ट का, और यहाँ पर आपको TF भी दिया हुआ है, जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर ऑक्स कनेक्टिविटी दिया है, जिससे आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स या TV वगैरह में भी इस स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ बटन दिए हुए हैं, ये रेगुलेटर से आप ऑन कर सकते हैं और इसी से ऑफ भी कर सकते हैं, और साथ ही ये वॉल्यूम के लिए भी आपको काम आएगा। यहाँ पर आपको मोड बटन दिया हुआ है, जिसमें आपको FM ऑक्स और ब्लूटूथ मोड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ प्रीवियस सॉन्ग आप प्ले कर सकते हैं, और नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने के लिए 2 बटन दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको लास्ट बटन यहाँ पर आपको पॉज करने के लिए और कॉल पिकअप करने के लिए दिया हुआ है। तो अभी हम इसके साउंड क्वालिटी को देख लेते हैं। तो ऑन करने के लिए यहाँ पर रेगुलेटर को आपको घुमा लेना है। तो जैसे ही रेगुलेटर आप घुमा दें यहाँ पर इस जैसे ही आप स्पीकर को ऑन करते हैं, इस तरह का यहाँ पर एक लाइट बढ़ता है, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अंधेरे वगैरह में ये स्पीकर और भी बढ़िया लुक देता है, और साथ ही इसके अंदर जब आप ऑन करते हैं म्यूज़िक भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बजता है स्टार्टिंग में। तो अभी हम बिना देर किए चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल गया है रियल साउंड बार 1 का, तो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्टेड, तो अभी ये कनेक्ट हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर कुछ म्यूजिक प्ले करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे प्ले कर लेते हैं, वॉल्यूम को मैं फुल कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ से करता हूँ। Thank you.
one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा इसका साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको मिल जाता है। अभी तक मैंने अपने चैनल पे जितने भी स्पीकर्स का वीडियो डाला है उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट साउंड बार स्पीकर में ये बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। इसका बेस जो है वो बहुत ही डीप बेस है, कोई भी आप अगर बेस वाले सॉन्ग बजा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको बेस देखने को मिल जाता है। और साउंड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको एकदम क्लियर दिया हुआ है, जो भी इसमें सॉन्ग वगैरह जो भी वॉइस है वो एकदम क्लियरली आपको सुनाई देता है। थोड़ा भी स्पीकर कहीं ब्रेक नहीं होता, ना कहीं फटने जैसी आवाज़ आती है, एकदम क्लियर साउंड आपको प्रोवाइड करता है, वो भी बेस के साथ। तो मैं अगर अपना रिव्यू दूँ तो बहुत ही बढ़िया स्पीकर यहाँ पर मेरे को अब तक लगाई है। तो जैसा इसका लुक दिया हुआ है उसी तरह इसका क्वालिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको दो स्पीकर और दो वूफर्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी हाई क्वालिटी का यहाँ पे स्पीकर और वूफर्स को यूज़ किया गया है बनाने में, जिससे इसमें आपको साउंड और बेस बढ़िया मिल जाता है। दोनों साउंड और बेस में कोई डाउट नहीं, आपको ये 101% बहुत ही बढ़िया ये स्पीकर लगेगा। अगर आप इसे टीवी से कनेक्ट करते हैं तो बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि टीवी से ज़्यादा साउंड होगा या कम होगा, तो जितना टीवी में होगा उससे थोड़ा बहुत इसका ज़्यादा ही आपको साउंड मिल जाता है। अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप इसका यहाँ पर आपको मिल जाता है लगभग 8 से 9 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप मिल जाता है, और डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर भी। तो ओवरऑल इसके अंदर आपको सब कुछ बढ़िया मिल जाता है, जैसे कि साउंड क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिलता है, बेस क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिल जाता है, लुक भी यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलता है, और साथ ही इसका डिज़ाइनिंग भी बढ़िया दिया हुआ है। तो अगर आप कोई भी स्पीकर बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं, अगर आप साउंड बार स्पीकर बाय करना चाहते हैं, क्योंकि क्वालिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। और मैं 101% बोल सकता हूँ कि आपको ये स्पीकर पसंद आएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही पर्सनली पसंद आया, तो आपको भी आएगा ही जिस तरह का इसका क्वालिटी है। तो ऊपर 6 मंथ की आपको वारंटी भी मिल जाती है इस स्पीकर के साथ, तो अगर आप बाय करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्पीकर को बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।